प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती बरतने की बात करते हैं, कुछ यही हाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी है। लेकिन दोनों के करीबी भ्रष्टाचार करने की सलाह मुफ्त में बांटते फिर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि यूपी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के पास लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि अब सड़क निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा, व्यवसाय की तरह ठेकेदारी करें और दाल में नमक बराबर खाएं तो ठीक है, बड़ा घोटाला और गड़बड़ी की तो फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ तो केशव प्रसाद मौर्य भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो दूसरी तरफ छोटे स्तर पर भ्रष्टाचार की पैरवी कर रहे हैं। मौर्य ने कहा कि अब कोई भ्रष्टाचार के लिए नहीं कहता कि नेता कमाएगा, ठेकेदार और अधिकारी मिलकर सड़क के नाम पर पैसा लाएंगे और सड़क नहीं बनाएंगे, कहां जाएंगे। मतलब साफ है कि अधिकारियों को केशव प्रसाद मौर्य ने भ्रष्टाचार करने की नसीहत दे दी है। उन्होंने कहा कि दाल में नमक की तरह खाना है तो खाओ, अगर ज्यादा खाया तो पकड़े जाओगे। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभाओं में कई बार कह चुके हैं कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, मगर उन्हीं की पार्टी के जिम्मेदार नेता खाने में छूट दे रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्देश का खुलेआम मजाक उड़ रहा है।